गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम लोग का नया पार्ट शुरू करेंगे जो है पार्ट 12। पार्ट का नाम क्या है? ईशान का बस्ता। ठीक है, तो सारे बच्चे बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 77 निकालिए। आज हम चैप्टर पार्ट को पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे कि हमारे पार्ट का नाम ईशान का बस्ता क्यों। ठीक है, तो चलिए पार्ट की ओर। अपना बस्ता खोलकर देखिए, उन सभी चीजों के नाम लिखिए जो आपके बस्ते में हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज दी गई है। यहाँ पे क्या करना है कि आप अपना बस्ता खोलेंगे और देखिएगा आपके बस्ते में क्या क्या चीज है, उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आओ पढ़ें। स्थान, ईशान का कमरा। ईशान पाठशाला से घर लौटा। पाठशाला का मतलब क्या होता है? स्कूल या विद्यालय। हमेशा की तरह इस बार भी उसने अपना बस्ता लापरवाही से मेज पर पटक दिया। बस्ते की चीजें बाहर गिर पड़ी। उसने अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी उसे किसी के कराने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। क्या था कि ईशान स्कूल से जब वापस लौटा और फटाफट उसने अपना बस्ता एक तरफ फेंका और बैट लेकर के खेलने के लिए जाने लगा। तभी बस्ते से कुछ चीजें बाहर आके गिर गई और उसको कुछ करहाने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। कमरे में तो कोई नहीं है, फिर यह कौन बोला? ईशान कमरे के दरवाजे पे रुक गया, पर्दे के पीछे खड़े होकर सुनने की कोशिश करने लगा। अरे यह तो मेरे बस्ते की आवाज है। जब वो आवाज उसको सुनाई दी तो वो रुक गया और उसने देखा कि कमरे में तो कोई नहीं, पर यह आवाज कहाँ से आ रही है? ईशान कमरे के दरवाजे पे रुक गया, पर्दे के पीछे खड़े होकर सुनने की कोशिश करने लगा। अरे यह तो मेरे बस्ते की आवाज है। आह, बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या करूं? ईशान मुझे रोज ऐसे ही पटक देता है। देखिए कहानी के साथ साथ यहाँ पे चित्र भी बने हैं, उन चित्रों को भी आप देखते चलेंगे। यहाँ पे किसका चित्र बना है? बस्ते का। तो क्या है? बस्ता बोला, आह बहुत दर्द, तेज दर्द हो रहा है, क्या करूं? ईशान मुझे रोज ही ऐसे पटक देता है। तभी पेंसिल बस्ते से निकलकर फुदकती हुई आगे आई। सच कह रहे हो बस्ते भैया, मुझे भी ईशान डिब्बे में नहीं रखता, मैं इधर उधर पड़ी रहती हूँ। मेरी नोक भी कई बार टूट जाती है, बार बार छिलने से मुझे बहुत दर्द होता है। फिर रबड़ बस्ते के कोने से झांकते हुए, अरे मेरा हाल तो देखो, मुझे तो ईशान बहुत जोर से रगड़ता है, कितनी काली हो गई हूँ मैं। मेज पे रखी कॉपियों में से एक खिसक कर आगे आ गई। देखिए साथ साथ चित्र भी बने हैं, यानी कौन बोलता जा रहा है उसका चित्र बना है। यहाँ पे बस्ते का बना, यानी बस्ता बोल रहा है, फिर पेंसिल बोल रही, फिर रबड़ ने बोला, अब है। हाँ बहन, हमारा भी यही हाल है, हमारे सफेद पृष्ठों पर ईशान अक्षर ठीक से नहीं बनाता। रबड़ पृष्ठों में मतलब होता है पन्ने, पन्नों पर ईशान अक्षर जो है ठीक से नहीं बनाता, रबड़ से बार बार मिटाता है, कभी कभी तो कागज ही फट जाता है, काम भी अधूरा करता है। दुखी होते हुए, हमारी तो जिल्द ही फट गई है, हम पर जगह जगह लिख कर हमें गंदा कर दिया, हमारे पृष्ठ भी फट गए हैं, हम इधर उधर पड़ी रहती हैं। तभी कुछ अजीब सी गंध आई। खाने के डिब्बे ने धीरे धीरे ढक्कन खोला, सब अपनी नाक बंद करके भागने लगे। कहाँ से गंध आई, यानी कौन सी बदबू सी आई? खाने के डिब्बे से। खाने के डिब्बे ने धीरे धीरे ढक्कन खोला, सभी अपनी नाक बंद करके भागने लगे। इससे मेरी क्या गलती, ईशान मुझमें रखा खाना पूरा खत्म ही नहीं करता, बहुत देर तक मुझमें बचा हुआ खाना पड़ा रहता है, इसलिए मुझमें से ऐसी गंध आती है। किसने बोला? टिफिन ने बोला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस्ते की जेब से बाहर झांकते हुए, साथियों परेशान क्यों होते, चलो हम सब ईशान से बात करते हैं। किसने कहा? स्केल ने। बस्ते की जेब से बाहर झांकते हुए, साथियों परेशान क्यों होते हो, चलो हम सब ईशान से बात करते हैं। ईशान सबकी बातें सुनकर हैरान रह गया। ईशान कहाँ था? दरवाजे के पास खड़ा था। उसने ये सब बातें सुनी तो हैरान रह गया, वो पर्दे के पीछे से निकल कर सामने आया। बोला, प्यारे दोस्तों, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब तुम्हें बहुत संभाल कर रखूंगा और कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ईशान ने बस्ता उठाकर झाड़ा, पेंसिल रबर कलर और रूलर
को डिब्बे में रखा, कॉपी किताबों पर नई जिल्द चढ़ाई, खाने के डिब्बे को साफ किया। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, चित्र भी साथ साथ बना हुआ है, इसमें क्या दिख रहा है, बस्ता उसने झाड़ा, फिर पेंसिल रबर कलर और रूलर को डिब्बे में रखा, कॉपी किताबों पर जिल्द चढ़ाई, खाने का डब्बा साफ किया। धन्यवाद ईशान, अगर तुम हमें अच्छी तरह रखोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ईशान के चेहरे पे मुस्कान आ गई। देखा ये कितना अच्छा आप लोगों को, ये हमारा पाठ था आज, क्या था, ईशान का बस्ता। इसमें क्या बताया है, बच्चे अक्सर एक काम करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, कि स्कूल से जाते अपना बस्ता इधर उधर फेंक देते हो। तो हमें इसमें हमें क्या सीख मिली कि हमें अपनी हर चीज को व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए, है ना। उन्हें भी कष्ट होता है, जैसे पेंसिल ने बोला कि मुझे बार बार छिलते तो मुझे दर्द होता है, बस्ते ने कहा मुझे पटक देते हो, ईशान मुझे रोज पटक देता है मुझे दर्द होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें हर एक चीज को संभाल कर अपनी जगह में रखना चाहिए। और ईशान ने भी जब उन सब की बातें सुनी, टिफिन की बातें सुनी, कि जाते ही टिफिन को क्या करना चाहिए, बस्ते से निकाल के तुरंत उसको धोने के लिए रख देना चाहिए, है ना। उसमें बहुत देर तक टिफिन बंद रहेगा तो उसमें जो चीज बची हुई रहेगी वो सड़ने लग जाएगी। तभी टिफिन को, टिफिन ने क्या बताया कि वो मुझे साफ ही नहीं करता और सब मुझसे दूर भागने लगते हैं। तो हमेशा बच्चों, उन्होंने क्या सीखा कि अपनी चीजों को, अपने बस्ते में रखी चीजों को या आपकी जो भी चीजें उनको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जिसकी चीज जहाँ पे रखी जाती है वहीं को चीजों को रखना चाहिए। तो ये था आज का आपका पार्ट था ईशान का बस्ता। ईशान ने भी प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो सभी चीजों को, उसने अपने बस्ते से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं अपने सभी चीजों को संभाल के रखूंगा। समान ने क्या कहा कि जिस तरह तुम मेरी देखभाल करोगे तो मैं भी तुम लोग का साथ दूंगा, है ना। तो चलिए अब हम आगे अपना शब्द अर्थ देखते हैं। इसमें कुछ शब्द और कठिन शब्द दिए हैं। कठिन शब्द क्या है, ईशान, पाठशाला, बस्ता, अक्षर, रगड़ता, छिलना, जिन और क्षमा। इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे। साथ का शब्द अर्थ है, शब्द है और ये अर्थ है, पाठशाला, पाठशाला का अर्थ होता है विद्यालय या स्कूल। बैट, बैट का अर्थ होता है बल्ला। फिर है कोशिश, कोशिश का अर्थ होता है प्रयास। अक्षर, अक्षर वर्णमाला में आए अक्षर जैसे क ख ग, इनको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षर। क ख ग आते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर। जिन, जिन किताबों में चढ़ा हुआ कागज, मैंने पन्ना, क्षमा मैंने माफ करना, ठीक। ये शब्द हैं, ये उसके अर्थ हैं, इनको आप अपनी कॉपी में करोगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और सारे बच्चे इसे सीख भी लेंगे, वो भी अपने बस्ते का अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को ओवर करते हैं, बाकी का कार्य हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।